महिंद्रा देश की सबसे खास कार कंपनीज में से एक है जो एसयूवी के लिए फेमस है, और कंपनी की महिंद्रा स्कॉर्पियो तो एक अनोखी ही कार है। इस गाड़ी ने सफलता के जो कीर्तिमान बनाए हैं वो और कोई गाड़ी आज तक नहीं बना पाई है। अब कंपनी इस गाड़ी के नए मॉडल को उतारने की तैयारी कर चुकी है और आज हम आपको इसके अगले वर्जन के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कंपनी ने फिलहाल Z101 कोड नेम दिया है। आइए आपको इस गाड़ी से मिलवाते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इस शानदार गाड़ी के नए फ्रेम की। तो कंपनी ने इसे नए लेडर चेसिस फ्रेम पर बनाया है और इसे थोड़े वक्त पहले कोयम्बटूर के पास टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया गया था। इस टेस्टिंग मॉडल को देखकर साफ समझ आ रहा है कि यह लोअर ट्रिम मॉडल रहेगा। इसमें स्टील व्हील्स होंगे और इस गाड़ी में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल सकता है। इंजन की बात करें तो गाड़ी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिल सकता है जो कि 158 BHP की पावर के साथ 400 Nm का टॉर्क दे सकता है। इस शानदार कार में आपको कई नए फीचर्स भी मिल सकते हैं जो कि फिलहाल महिंद्रा मराजो में मिल रहे हैं। इस महिंद्रा स्कॉर्पियो की खास बात इसका नया कैबिन भी होगा जो कि ज्यादा स्पेस देगा, और ब्लैक इंटीरियर के साथ बेज कलर की अपहोलेस्ट्री इसे और शानदार लुक देती है। टेस्ट मॉडल में तो हमें तीसरी लाइन में कोई सीट देखने को नहीं मिली है, लेकिन हमें यकीन है कि ये एक 7 सीटर गाड़ी होगी और इसमें तीसरी लाइन भी होगी। रही बात लॉन्च डेट की, तो इसे कंपनी अगले साल के बीच में लॉन्च करेगी और इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 3,90,000 से शुरू होगी। आपको ये गाड़ी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।